एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पारुलान्या ब्लॉग पे। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए दिन की शुरुआत मेरे ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पर आज आने का पेपर नहीं था, तो आज हम लोग भी आराम से उठे, आराम का मतलब वही 7 o'clock के करीब, तो मेरे काम स्टार्ट हो जाते हैं। मेरा बेटा साथ में ही उठ जाता है मेरे, ये देखिए मेरे साथ साथ पीछे पीछे आपको पूरे ब्लॉग में दिखेगा। तो देखिए मैं कैसे मैनेज करती हूँ इसके साथ, पूरा घर, बच्चों को, बच्चों की पढ़ाई हो गई, इसको मैं देखना, हस्बैंड को देखना। तो आप मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। तो ये आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा खिंच गया है क्योंकि आज श्री कृष्ण जी की छठी भी है, तो हम घर गए थे और मेरे बीच के शेड्यूल थोड़े आज काम ज़्यादा ही हो गए थे, तो इस कारण। तो ये देखिए मैं यहाँ पर डस्टिंग कर रही हूँ, साफ़ सफाइयाँ चल रही हैं घर की, और मेरा बेटा मेरे पीछे चेयर ले लेके घूमता। थोड़ा बुरा भी लगता है मुझे, लेकिन मैं कभी टीवी चला देती हूँ, कभी सोचती हूँ खेल ले देती हूँ, ऐसे ऐसे माइंड खुलेगा ही बच्चे का। टीवी में क्या है, वो घुसा रहेगा तो वो और चिड़चिड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने कहा चलो वॉक तो कर ही रहा है मेरे पीछे। तो यहाँ पर रूम सब झाड़ू लग चुकी है, बस किचन में एक बार झाड़ू लगा के और बाकी का काम स्टार्ट कर देती हूँ, पोछा लगाना। आज क्या है, बारिश हो ही रही है मॉर्निंग से, तो मुझे बाहर की भी धुलाई करनी है और किचन में जो थोड़े बहुत बर्तन हैं वो भी क्लीन करने हैं। तो उससे पहले मैं क्या कर देती हूँ, छोले आज मुझे बनाने हैं, मेरी बेटी को तो बहुत पसंद है छोले भटूरे, तो मैं पहले छोले बॉईल करने रख देती हूँ, बाद में सारा काम समेटने के बाद फिर मैं इसको बनाऊँगी। अभी जो खाली टाइम है उसमें छोले बॉईल कर लेती हूँ, नहाने के बाद बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं कुछ खड़े मसाले भी डाल देती हूँ ताकि खुशबू बहुत अच्छी आती है खड़े मसाले डालने से, और आज के छोले बने भी बहुत टेस्टी थे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी गैस स्लो कर देती हूँ और बाकी के काम करने मैं चल देती हूँ। तो यहाँ पर बाहर बारिश हो रही थी, अब थोड़ी सी रुक गई है, थोड़ी सी गंदगी भी ज़्यादा हो गई है, तो मैं यहाँ पर पहले धुलाई कर देती हूँ। और मेरा बेटा देखिए यहाँ पर भी बाहर मेरे पीछे पीछे ऐसे ही लगा रहता है बेचारा, कि उसको टीवी भी अगर मैं चला भी देती हूँ तो भी उसको नहीं देखना है, बस मेरे साथ उसको चलना ही चलना है, मेरे पीछे 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 पीछे, बस उसको भी धुलाई करनी है, कभी डस्टबिन में पानी कभी कुछ। तो यहाँ धुलाई भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पर फटाफट मैं ये पाइप भी समेट देती हूँ, नहीं तो पैरों में भी लगेगा और बच्चा भी इधर उधर पैर में फंस जाएगा तो गिरेगा। तो धुलाई हो गई है, मैं फटाफट पानी भी थोड़ा सा सूख देती हूँ ताकि बच्चे कोई गिर ना जाए, पानी होगा, बारिश वैसे भी हो रही है, तो जितना हो सकेगा पानी सारा हटा दूंगी मैं। तो यहाँ पर हस्बैंड थोड़ा काम से जा रहे हैं, बाहर आ गई हैं गाय माता, तो कुछ रोटियाँ, आटा, चावल मेरे पास पड़ा हुआ था तो वो मैं खिला देती हूँ। वैसे मैं डेली ही गाय के लिए ताज़ी रोटी निकाल देती हूँ, लेकिन ये मेरा क्या था, रात की रोटियाँ भी बच गई थी और थोड़े चावल भी, तो फेंकने से अच्छा आप लोग भी कहीं डस्टबिन में फेंकते हो तो गाय को ही दीजिएगा, कम से कम किसी के पेट में पड़ जाए वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखिए गाय का छोटा बेबी भी आ गया था, तो गाय को रोटी देने के बाद यहाँ देखिए मेरे प्लांट 10 बजे तक, तो प्यारा लगता है ये कलर, और यहाँ पर बहुत हरे भरे प्लांट हो गए हैं। और मैं वापस आ जाती हूँ नहा धोकर किचन में, तो यहाँ मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए बना दी थी मैगी, मैगी की डिमांड थी, स्कूल नहीं जा रहे हैं तो मैगी खा लेते हैं। तो यहाँ अब मैगी मैंने आन्या को दे दी है, मैं फटाफट आटा लगा देती हूँ एक साइड, तब तक आटा फूलेगा और मैं फ्राई करने की तैयारी कर देती हूँ छोले। और मैंने क्योंकि मसाला स्टॉक करके नहीं रखा था, हैंड टू हैंड बना देती हूँ क्योंकि आजकल मैं मसाले का थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक लोहे की कढ़ाई ले ली है, अधिकतर मैं इसी में बनाती हूँ वैसे तो सब्जियाँ, तो मस्टर्ड ऑयल ले लिया है मैंने, यहाँ मसाले में पीसा था प्याज, लहसुन, अदरक, बस इतना ही पीसा था, टमाटर मैंने कट करके डालना है। तो यहाँ पर मेरा मसाला फ्राई हो गया। हाँ एक चीज़ और मैंने करी थी, जो खड़े मसाले हैं थोड़े मैंने बॉईल करते टाइम डाले थे और थोड़े से मसाले मैंने, मसाला जो प्याज पीसा था उसमें डाल दिए थे मैंने, थोड़ा गर्म करके, रोस्ट करके हल्का सा, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे मुझे ये छोले। तो यहाँ पर टमाटर मैंने डाल दिया है थोड़ा गलने के लिए, मैं यहाँ पर नमक डाल दूंगी, और ध्यान रहे नमक हमने बॉईल करते टाइम भी डाला था तो ज़्यादा ना हो, इसलिए आप अपने अनुसार डालिएगा। तो यहाँ पर छोले भी मैंने, पानी फेंकिएगा नहीं, पानी सहित डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी बढ़ा के
और हल्का सा मैश कर देंगे ताकि छोले अच्छे बने, मतलब पूरा मैश नहीं करना, बस हल्का हल्का सा दबा देना है। तो यहाँ पर मैंने पानी बढ़ा दिया है क्योंकि मैं छोलों के लिए आधा घंटा तक बहुत स्लो आंच पे बनने दूंगी। जितना ये बनेंगे ना उतना ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो ये भी मैंने किसी अपनी फ्रेंड से सीखा था, बहुत ही टेस्टी बनाती है वो। तो यहाँ पर मैंने छोले बने दिए हैं, चावल मैंने भिगो दिए थे, इनको भी मैं सीटी लगा देती हूँ। तो खाना मेरा लगभग बन ही चुका है, आटा लगा दिया, जब खाना होगा तो मैं रोटियाँ सेक दूँगी। तो मैं भी थोड़ी देर चलते चलते थक गई हूँ, तो मैं भी अपना सा नाश्ता समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। तो मैं थोड़ी सी मैगी टेस्ट कर लेती हूँ कैसी बनाई थी। तो मैं पूजा भी मैं कर चुकी थी यहाँ पर, आज लेट होते होते मुझे यहाँ 9 बज गया था आराम से। तो मैं फटाफट खा लेती हूँ मैगी, थोड़ी देर फ़ोन चला लेती हूँ, क्योंकि यही थोड़ा सा टाइम मिलता है जिसमें आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। वरना तो अभी बेटा भी गेम में लग गया, मैंने उसे भी नहला धुला दिया, तो वो अपना थोड़ी देर में सो जाएगा वो भी। और जल्दी मैं खाना इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उधर मुझे घर पर भी जाना है और आज दिन में भी थोड़ा सा काम है मुझे, तो इसलिए फटाफट से खाना वगैरह बना दूंगी। क्योंकि कभी क्या होता है, मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो कभी उनको जल्दी भी खा लेना होता है खाना, कभी लेट हो जाता है। बस मैं तैयार कर देती हूँ, रोटियाँ बस बाद में लगा देती हूँ। खा ली है मैगी और फ़ोन भी साइड रख दिया है, अब चलिए चलते हैं और कामों की तरफ। ये देखिए छोले बनके एकदम तैयार हैं, एकदम क्रीमी से और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जो बोलते हैं ना अमृतसरी छोले, वही हैं ये। मैंने इसमें बाद में कस्तूरी मेथी और कुटा हुआ जीरा डाला था भुना हुआ, और कूट के पूरा पीसा भी नहीं था, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो चलिए आगे काम करते हैं फटाफट, हस्बैंड को भी भूख लगने लगी थी क्योंकि उन्हें आज थोड़ा सा काम से भी जाना है। तो मैं फटाफट सेक देती हूँ रोटियाँ, मेरा बेटा भी यहाँ पर आ गया। मुझे थोड़ा डर लगता है, इसको ऊपर नहीं बिठाती हूँ कि गर्म रहता है, पूरा काम चलता है किचन का, तो इसलिए बस नीचे है, इसका हाथ यहीं तक पहुँच रहा है, ऊपर नहीं आता है। तो मैंने इसको अंदर बैठा दिया, आधी रोटी देख के, घी नमक की रोटी, मैंने कहा आप बैठ के खाओ, मैं तब बना फटाफट आऊँगी किचन में काम फिनिश करके। तो यहाँ देखिए 7 की 7 मैं घी लगा देती हूँ रोटियों पे, क्योंकि क्या है ना, अभी घी लगा देते हैं गरम गरम रोटियों पे तो सॉफ्ट हो जाती हैं रोटियाँ, टाइट नहीं होती हैं। और कभी आप देखना कि ठंडी रोटियों पे घी भी नहीं लगता, ठंडी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाती है तो भी घी अच्छा नहीं लगता, सॉफ्ट भी नहीं रहती हैं। और गरम गरम रोटियों पे आप घी लगाएंगे तो एकदम सॉफ्ट रहती हैं। तो इसी बहाने मेरा पूरा किचन भी साफ हो गया और बर्तन रह गए हैं, स्लिप वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए, आटा वाटा निकाल दिया है। तो अब मैं फटाफट बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। मेरा यहाँ पर बेटा आ गया है, मुझे लेके जा रहा है कि आप अंदर चलो, एक बार अंदर चलो, उसको रहता है कि मैं उसके पास बैठ जाऊँ, एक बार मैं सुन के आ जाती हूँ। और यहाँ पर देखिए काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, तो दूध वाला भी आ गया, तो मैं दूध बॉईल करने रख दूँगी एक साइड में। ये थोड़ा सा दोपहर में ही आता है, 1 बजे के अराउंड करीब। तो हस्बैंड भी जा रहे थे, उन्होंने कहा बाद में करना आप अपने बर्तन, पहले मेरे लिए थोड़ा सा काम है, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर हस्बैंड को भी भेज दिया, यहाँ मेरे बच्चे दोनों गार्डन में खेलने के लिए, बोल रही थी थोड़ी देर गार्डन में खेल लूँ, लेकिन मैंने कहा पता नहीं गाय वगैरह भी आ जाती है, तो मैंने कहा अंदर ही खेलो, बाहर मत जाओ। तो यहाँ पर अब मैं फाइनली बर्तन धोने के लिए आ गई हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे बार बार जा रही हो आ रही हो, बर्तन ही नहीं धो पा रहे हो। तो यहाँ पर मैंने धो दिए हैं, सैलेड काट के मैं रख देती हूँ, जब तक हस्बैंड आएंगे तब तक फ्रिज में ठंडा भी हो जाएगा। फटाफट मैं 2 खीरे काट देती हूँ, और प्याज तो वैसे भी दिन में नहीं खाया जाता, क्योंकि खीरे की स्मेल बहुत ही प्यारी लग रही थी। कभी कभी भूख तेज लगती है ना, तो हम को सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं कि हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, उस टाइप से मुझे खीरे की स्मेल बहुत अच्छी लग रही थी। अब मैं चलती हूँ छत पे, छत पे जो कपड़े रह गए थे मैं पहले वो डाल देती हूँ फटाफट। मशीन मैंने आज लगाई थी तो मशीन में काफ़ी कपड़े हो गए थे, तो ये जो ब्लैंकेट और ओढ़ने वाले मेरे जितने भी थे ये मैं पहले ही मॉर्निंग में डाल दिए थे मैंने, ताकि धूप निकली थी आज 2-3 दिन में, तो ये सब में महक चली जाए, क्योंकि छोटा बच्चा है कभी टॉयलेट वगैरह भी कर देता है उसकी स्मेल आ जाती है। तो मैं ये ब्लैंकेट जब भी धूप निकलती है डेली ही डालती हूँ धूप में। तो मैं यहाँ पर फटाफट कपड़े डाल देती हूँ, बच्चों को भी मैं साथ लेके आ गई थी कि नीचे टीवी वगैरह देखने से अच्छा थोड़ा छत पे खेलो, अन्य भी पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा हो जाता है बच्चे का थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए।
इसीलिए मैं इसको छत पर ले आई, और बेटा तो आना ही था उसको मेरे पीछे पीछे, तो कपड़े भी मेरे डल गए। यहाँ आन्या भी थोड़ी स्केटिंग कर रही है, थोड़ी शैतानी कर रही है बनी के साथ, तो ब्लैंकेट के अंदर गेम खेल रहे हैं दोनों। और कपड़े आज बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों के कपड़े हो जाते हैं छोटे छोटे, ये कपड़े वो कपड़े, तो मैं बस वही डालने में लगी थी कि फटाफट डाल के जाती हूँ नीचे, और थोड़ा सा जो भी काम है एडिटिंग वगैरह करूँगी थोड़ी देर, जब तक हस्बैंड नहीं आते तब तक, उसके बाद खाना वाना भी खाऊंगी। और यहाँ पर देखिए मैं देख रही थी बाहर, क्योंकि छोटे छोटे दो बच्चे थे करीब 8 साल के होंगे, स्कूटी चला रहे थे, बहुत बुरी तरह से गिरे थे। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई कैमरा लेके नहीं खड़ी थी मैं उधर, और हस्बैंड भी आ गए हैं, पानी दे देती हूँ हस्बैंड को, बहुत तेज़ अभी धूप निकली है तो आज बहुत तेज। ये देखिए मैं बेटी को पढ़ा रही थी और इसने अपना क्या हाल कराया है, इसने मार्कर से पूरा फेस हैंड सब खराब करा है, और उसको भी लगा रहा है कि तू भी लगा लगेगी नहीं बनी। वहाँ पर मैंने किचन एकदम से क्लीन कर दिया है, खाना वगैरह सारा सेट कर दिया है, बिल्कुल सफाई कर दिया, ताकि मैं अगर लेट भी हो जाऊँ आने को तो मॉर्निंग में ज़्यादा बर्डन ना हो मुझे। तो यहाँ पर क्लीन करके बाकी के जो छत पे से कपड़े लाने हैं वो सारे मैं धीरे धीरे काम निपटा देती हूँ। और अभी बज रहा है 3, तो मैं फटाफट छत पे आ गई हूँ, छत पे से ले लेती हूँ सारे कपड़े। मैं बेटी को साथ ले आई थी क्योंकि मैंने इसके एग्ज़ाम की तैयारी तो करा दी थी, तो मैंने कहा चलो छत पे तुम थोड़ी देर खेल लेना, तो देन फटाफट जो फोल्ड हो सका मैंने फोल्ड किया, बाकी के ऐसे लेके मैं नीचे आ गई। कपड़े नीचे लाने के बाद में मैंने कहा आऊँगी तो वही चीज़ें फैला रहेगा घर, तो मैं फटाफट कपड़े भी फोल्ड कर लेती हूँ। आज हस्बैंड का थोड़ा ऑफिस का भी काम था तो वो अपना काम में बिजी हैं, और यहाँ पर मैं बस कपड़े फोल्ड करे जा रही हूँ, क्योंकि कपड़े तो ढेर सारे हो गए थे, एक दो बार के तो मैं रख चुकी थी, ब्लैंकेट चादरें वगैरह, बाकी ये छोटे छोटे से कपड़े। और हस्बैंड की अचानक से एक कॉल हो गई, तो वो बोल रहे थे मैं अपनी कॉल अटेंड करके ही जाऊँगा, तुम जो तुम्हें थोड़ा बहुत काम हो तो अपना निपटा लो, वरना तभी मैंने सोचा चलो राशन रखा हुआ था आया हुआ, तो मैं इन डब्बों को फिल करने लग गई। मैंने कहा जो दालें पूरी रखनी है वो रख देती हूँ, और सामान हटाना है वो हटा देती हूँ। मैं जब तक ये सारा समेटती हूँ हस्बैंड भी आई थिंक फ्री ही हो जाएंगे, ताकि मैं जल्दी से घर जा सकूँ। और आन्या को मैंने तैयार करा के बिठा दिया था उसको, बस बेटा सो रहा था तो मैंने सोचा उसको लास्ट में चाहे ऐसे ही उठा के बिठा लूँगी गाड़ी में, तैयार घर पर ही भी करा सकती हूँ। मैं तो हो गई हूँ तैयार, लेकिन हस्बैंड का अभी भी काम चल ही रहा है, और यहाँ पर मैंने जल्दी से पूजा भी कर ली थी क्योंकि आने में तो लेट होगा, तो पूजा मैंने फटाफट कर ली थी शाम की। तो यहाँ आने और हम कर रहे हैं वेट कि पापा जल्दी से फ्री होके आएं और हम साथ में घर चलें। बेटा भी मेरा सो गया था, मैंने उसको उठाया नहीं जब तक मैं गेट बंद कर देती हूँ, और बारिश वापस आ गई थी तो कुछ कपड़े मेरे गीले रह गए थे, तो मैंने अंदर रूम में चेयर पर फैला दिया था कि ताकि थोड़ी सी हवा लगेगी तो सूख जाएंगे। तो मैं जब तक सारे दरवाजे वगैरह बंद कर देती हूँ, थोड़ी देर और वेट कर लेती हूँ जब तक फ्री हो जी। मैंने अपने बेटे को उठाया था और ये वापस ऐसे आधा लटक कर सो गया है, तो यहाँ हम लोग फाइनली निकलने के लिए हो गए हैं तैयार। तो बाहर मेरे बेटे को इसी से ही जाना था, वो गाड़ी में बैठा ही नहीं, रोने लग गया कि इससे चलेंगे, तो हम घर आ गए हैं, पापा की गोदी में तुरंत ही चला गया, खुश हो गया। कितना ही मूड ख़राब हो दादू को देख के वो एकदम से खुश हो जाता है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अंदर, तो मम्मी ने बोला तुम जब तक लड्डू गोपाल को नहला धुला दो और हम छठी के सारी तैयारी करते हैं जब तक। तो यहाँ देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, नज़र ना लगे तो इनको ड्रेस पहना के अच्छे से तैयार कर दिया है मैंने। और यहाँ पर छठी की थाली तैयार हो रही है, कढ़ी चावल और जवे पूड़ी और बिस्किट, ये सारा कुछ तैयार करा है मम्मी ने। यहाँ मनी प्लांट लगाया था, अच्छे से ग्रो हो रहा है, अच्छा लग रहा है। मम्मी इसमें चावल का पानी डालती हैं और भी चीज़ें। तो ये थाली हो गई है तैयार, अब पूजा फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ बनी वेट कर रहा है, थोड़ा सा चिड़चिड़ कर रहा था और कपड़े भी नहीं चेंज कराए इसने। और ये हमारा मैक्सी है, ये भी वेट कर रहा है पूजा कर हो के प्रसाद खाने का। तो पूजा हो गई है, भगवान जी की छठी मना दी गई है, जय श्री कृष्णा। काजल लगाया है आज कन्हैया जी को हमने, और यहाँ पर हम भी खाने लग गए हैं खाना, क्योंकि आन्या का कल एग्ज़ाम है, टाइम से ही जाना है। मम्मी ने ये देखिए हाथों से धूपबत्ती बनाई है बिल्कुल घरेलू तरीके से, तो रास्ते में आन्या को दिख गई आइसक्रीम, और आइसक्रीम ना खाए आन्या ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर
बनी तो रुक गया था मम्मी पापा के पास ही, तो हमने यहाँ पर आइसक्रीम लेके चल दिए हैं घर की तरफ। बस घर आने ही वाला है 5 मिनट में ही। और ये देखिए आसपास जितने भी मंदिर थे सब जगह छठी बहुत अच्छे से मनाई गई थी। तो हमारे घर के पास का मंदिर है, यहाँ पर छठी का प्रसाद भी बट रहा था और काफ़ी सारे श्रद्धालु भी थे मंदिर में जो बांट रहे थे। और यहाँ से हम आ गए हैं घर पर। था मेरा आज का रूटीन, वैसे डेली का ही यही रूटीन होता है। बेटा मेरा छोटा ज़्यादा है तो इसीलिए मेरे पीछे पीछे ज़्यादा रहता है, लेकिन मैं उसको टाइम भी प्रॉपर देती हूँ। उसे पहले गेम में लगाती हूँ फिर काम शुरू करती हूँ। और वैसे बेटी जाती है मेरी 7:45 बजे स्कूल, उससे पहले मैं सारे काम निपटा देती हूँ। बस बाद में रोटियाँ सेकना होता है दोपहर का और नहाना होता है, बस मेरा इतना ही काम रह जाता है, बाकी बच्चे का ही पूरा काम होता है। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।